इसके बाद अपने से लगा हुआ कोई भी अपना सुहेद है, जैसे पत्नी, भाई, उनको भी बढ़िया से नमस्कार करते हुए, प्रेम से कहते हुए कि आप भी इस यज्ञ में, पितृ मोक्ष यज्ञ में अपना भाग स्वीकार करो और भगवान के चरणों में सदा निवास करो, उन चरणों में जिस चरणों में गंगा जी रहती है, जहाँ से गंगा जी निकली है आप वहीं निवास करो। फिर इसके बाद में अपने गुरु को प्रणाम करो कि आपकी शिक्षा सदैव ही अमृत को प्रदान करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, अच्छी शिक्षा देने वाली है। इसके बाद जो अपने ब्राह्मण हैं मन ही मन सबको प्रणाम करो कि उद्धरदासीवराहेण कृष्णेन सतमाहुनाम वाराहवसुन्दराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम। वो जो अक्षत लिए हो पृथ्वी पे छोड़ दो अपने सामने। जो गोला एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, बिल्कुल गोला एक के सिवा दूसरा गोला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। यज्ञ में केवल एक ही पूर्ण आहुति होती है, अगर जगह जगह पूर्ण आहुति डालते हैं तो उसका पश्चाताप स्वयं को करना पड़ता है। अगर आप 101 ब्राह्मण को खिला सकते हैं तो आप गोला डालिए, अगर नहीं खिला सकते हैं तो मत डालिए। कम से कम अब आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। मैं हमेशा बोलता हूँ सत्यनारायण की कथा में, छोटे मोटे कार्यक्रम में जो पूर्ण आहुति करते हैं वो कार्य की शुरुआत है, अंत नहीं। अंत में पूर्ण आहुति होती है, पहले कैसी पूर्ण आहुति। हमने सत्यनारायण की कथा शुरुआत करने के लिए करी है, अच्छे दिन हो, अच्छा काम हो, और वही पूर्ण आहुति कर दी तो हमने लिया दिया और वही पूरा कर दिया। तो अब सोच समझ के करना, ठीक है ना। ये सारी लिखी हुई बातें हैं और बड़े बड़े मनीषियों ने लिखा है, हमारे तो लिखने की बस में ही नहीं है। ओम कलशादि देवताभ्यो नमः। चार दाने केवल कलश में, लोटा पूजन वाले कलश में, जल वाले में जिससे पूजा करेंगे उसमें हम वरुण का आवाहन कर रहे हैं, पवित्र नदियों का आवाहन कर रहे हैं जिससे भगवान का पूजन करेंगे और भगवान उन पवित्र जल से स्नान पा करके और प्रसन्न हो। हाँ, सब नीचे रख दीजिए, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए कलश में आगे भी और पानी में अंदर भी। और सामने दीपक रखा है, इसके बाद दीपक के लिए थोड़ा सा अक्षत ले और सामने छोड़ना है, बाकी बचा हुआ चावल सामने छोड़ना है। हाँ, इसके बाद में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले करके ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधत्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न सारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयाः प्रतिभ्यां पयो कलिगो पयो दिवन्तरिक्षे पयो धाः पयसति भृदिसः सन्तु मह्यं मा विष्णोरराटमसि विष्णोः सन्नप्रेस्तो विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता सर्वा देवता रुद्रादेवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिरेधिः। सामने जो नीचे वाली मेखला है उसमें छोड़ते रहेंगे, बाएं हाथ में वही चावल रख लीजिए। ओम सिद्ध श्री मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः।
ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतता कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, ओम सिद्धश्री नमः, गणाधिपतये नमः। सब छोड़ दीजिए। हाँ जी, अब हाथ में सुमुखस्य गदंतश्च कपिलोगजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्रनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भान्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविंसितार्थ सिद्धर्थं पूजितो यः सुरासुरी सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेन्द्रियस्वामी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सामने इस चावल को भी छोड़ दे, पुष्प छोड़ दे। अब हाथ में अक्षत जल पुष्प और सुपारी अगर है तो पांच। हाँ जी, यजमान की पत्नियां जल डालेंगी पति के हाथों में संकल्प पूर्ति के लिए, बाकी जो अकेले आए हैं उनके लिए पंडित हैं या स्वयं अपने से डाल लें। हाँ जी बोलिए ओम। जो दूर बैठे हैं नमः नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो निद्धुतीया परार्धे श्रीसहितवाराहकल्पे वैवस्वतमनमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे गङ्गायमुनायाम उत्तरदिगभागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ 2080 संख्या के संवत्सरे हमें भी अपना भक्त बना लीजिए और हमारे कार्य पूरे कीजिए। पास में आ जाओ, अब इसमें तो भरोसा लीजिए। अब अपने हाथ में बाएं हाथ में अक्षत रख लीजिए, ठीक है ना। ये जो कुंड बनता है ये इसमें तीन सीढ़ियां होती हैं, तीन परिघ बोलते हैं उसको। जो ऊपर वाला होता है वो सफ़ेद होता है, उसमें भगवान विष्णु का वास है, ठीक है ना। और जो मत सबना आत्मा आदरिता सत्यवली मत सचिव ओम प्रजापतये नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवदौदैभवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः, ओम रुद्राय नमः। योनि का ध्यान करें, वहाँ लक्ष्मी का ध्यान होता है, क्योंकि सबकी इच्छा पूर्ति मात्र के लिए परमात्मा की कृपा और लक्ष्मी की ही आवश्यकता है। ओम श्री सते लक्ष्मी सत्यामहोरात्रि पार्थवे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तम षण्णिखाणाम मयिखाणाम सर्वलोकम मयिखाणाम, ठीक है ना। ये हो गया रुद्र का आवाहन करेंगे। ओम रुद्राय कंठे रुद्राय नमः, ओम नाभिस्त देवताभ्यो नमः। जहाँ जहाँ पे सप्त जीवा बनी है वहाँ पे विश्वकर्मा का ओम विश्वकर्मणे नमः। आपके जहाँ पे संजय भैया बैठे हो वो जो कोना है राइट हैंड वाला, उस जगह पर वास्तु का चंदन लगा करके फूल छोड़ दीजिए। ओम हरि ओम। सहस्रतीर्घा पुरुषः सहस्राक्षो सहस्रपादस्थ भूमिगो सर्वात सुचवादतिषदसाङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति। जल से स्नान करवा के चंदन लगा करके रख दिए, भोग लगा दिया, ठीक है जी। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी को बुलाओ।
यज्ञ बिना ब्रह्मा के संपन्न नहीं होता और यज्ञ में ही ब्रह्मा की पूजा होती है, बाकी जगह आप उनकी पूजा होते नहीं देखे हैं। तो ब्रह्मा जी का महत्व है, तो ब्रह्मा जी के लिए पूजन में थोड़ा सा आप चले जाइए, कोई ब्राह्मण देवता वहाँ पे। हाँ जी, हाथ में अक्षत पुष्प ले करके पहले तो वहाँ छोड़ेंगे जहाँ लोटा रखा है, फिर सामने साक्षात ब्रह्मा जी खड़े। नया वहा उपमा सविष्टा सतस्त योनी मत सच विवाह। बोलिए, हे ब्रह्म देवता, आप हमारे यज्ञ में अपना स्थान स्वीकार कीजिए, उनके स्थान में छोड़ दीजिए चावल, है ना, और हमारे यज्ञ को पूरा कीजिए। बचा हुआ हाथ में चावल और ब्रह्मा जी के ऊपर पास में स्पर्श राखी, इनके पास, पंडित जी के पास, गुरु जी के पास छोड़ दीजिए, और वहाँ भी जल से स्नान करवा दीजिए और यहाँ भी जल से स्नान करवा दीजिए, छीटा लगा के। यहाँ यहाँ ऊपर इनको भी स्नान करवाना है, पंडित जी को लोटा लेके कोई पहुंचो। अरे ब्रह्मा जी को स्नान करवाए आप, हाँ जी ब्रह्मा जी को स्नान करवाइए, चंदन लगा दीजिए और नैवेद्य चढ़ा दीजिए। ये भगवान की इच्छा से ही भक्त भेजते हैं, कब जरूरत पड़ेगी तो। हाँ जी, हर जगह पे एक एक फल चढ़ा। पंडित जी नीचे भी देखो, यही पे। हाँ जी, ये ब्रह्मा जी के हाथ में दिया जाए जो साक्षात खड़े हैं, पंडित जी के हाथ। हाँ, और यहीं पे खड़े रहिए, इनके तिलक कर दीजिए। आपके यहाँ पे ब्रह्मा में वरण इनके भी कर दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः। बोले, हे प्रभु, हमारा यज्ञ संपन्न कराइए, सदा आप प्रसन्न रहिए और सदा हमें प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दीजिए। अब बैठ जाइए, ले हो जाओ, काम हो गया। बीच में और आगे हाथ बढ़ाइए, हाँ, एक पहले बीच में, हाँ ऐसे, एक उधर उत्तर साइड में, पहले उत्तर, बीच पास में और पास में चार चार अंगुल में, हाँ हाँ, अभी इस बार दक्षिण में, तीनों रेखा के बीच से अनामिका और अंगुष्ठ से जो है तो मिट्टी निकालिए, इसमें जल का छींटा मार के रखिए पहले, हाँ निकालते रहिए, अपने बाएं हाथ में रख लीजिए, ईशान कोण में वहाँ फेंक दीजिए, जहाँ पे मोहन भैया बैठे उसके थोड़ी और आगे उस कोने में, हाँ इन तीनों रेखा में जल, चावल और चंदन, एक एक सुपारी और मिश्री रख दीजिए, वो मिश्री रखी है आपके सामने, उसी में रख दीजिए ऐसे प्रत्यक्ष। थोड़ा सा दक्षिणा रखिए, हाथ में पुष्प ले करके और अग्नि आवाहन के लिए ध्यान कीजिए और कपूर में लगा करके सुरमा में रख करके और थोड़ा सा हवन सामग्री रख के उसके ऊपर कपूर रख के और दूसरा कपूर वहाँ से जलवा से तीन बार वहाँ से बाहर। हाँ जी, साकल्य वो कपूर के ऊपर छोड़ दो। बोलो ओम अग्ने नमः। लकड़ी छा, ठीक है,
अब आप जो है तो आपके सामने जो ये रखा है ना जल, इस जल को अपने ऊपर छिड़को। ओम आपो हिष्टामय उवाह सौर्य वृदे दहात नाम हिरणा चक्षते यो वासि तमोरस तस्य भाजते हनांसति रीरिव मातरः तस्मा अरंगमा माय सच्चा जिर्मता आपो जन यथा सलह तथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारणम अवे तद्विकोपघातानाम शांतिर्भवतु वारिणः शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्मस्तु बस तत्वरे नमस्तु। हाँ जी सर, अब आप जो है ये जो संविधा लिए ओम हरि ओम प्रजापतये स्वाहा। अब जो है एक छोटा सा और ज्ञान, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा, बिना दक्षिणा जिस तरह कार्य संपन्न नहीं होता उसी तरह बिना स्वाहा बोले भगवान वो आहुति स्वीकार नहीं करते। सा और हा के बीच में, स्वा और हा के बीच में जो उच्चारण की गति है बड़ी धीमी है। स्वाहा, स्वा बोलते ही भगवान का मुख खुलता है और हा बोलते ही बंद हो जाता है। यही समय है आपको छोड़ने का, ठीक है। और किसी कारणवश अगर हम आहुति नहीं छोड़ पाए लेकिन मुंह से स्वाहा बोल दें, पंडित जी छोड़ते बंद करो ये सब, कम कम छोड़िए क्योंकि काफी हवन होना है, शुरुआत है अभी तो। कौविलम विष्णु चक्र में धार करे बल समूढ़मस्त पाकुंसुरे स्वाहा। शिव ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रवन्य भवतु तेजवे नमः बाहुभ्यामुतदे नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शिवशिवाय स्वाहा। ओम गणानांता गणपति ॐ हवामहे, प्रियानांता प्रियपति ॐ हवामहे, निधीनांता निधिपति ॐ हवामहे। वसो ममे आहमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्म। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम विघ्नेश्वराय स्वाहा। ओम लंबोदराय स्वाहा। ओम मे अंबिके अंबालिके नमः। नियति कश्चन सतत सुखा सुभद्रिकां कांपीलवासिनीं मां। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा। ओम महालक्ष्मीं ओम महाकाली महातृती महालक्ष्मी स्वाहा। ओम त्रिगुणात्मकै स्वाहा। ओम तिधा सक्ते स्वाहा। ओम तत्वायामि ब्राह्मणाः वै स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा स्वाहा। ओम कलसादिदेवताभ्यो स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम हरि ओम गौरी पदमासती मेधा सावित्री विद्याजया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोकमातरः तदी पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेना भूतो होतो वृद्धो भोजश्च षोडशः। ओम षोडशमातृकेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायै स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गौर्याय स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम सत्ये स्वाहा। ओम मेधाय स्वाहा। ओम सावित्रे स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम जयाय स्वाहा। ओम देवसेनाय स्वाहा। ओम सुधाय स्वाहा। ओम स्वाहाय स्वाहा। ओम मातृभ्यो स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा। ओम धृत्ये स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। ओम तुष्टे स्वाहा। ओम आत्मनः कुलदेवताये स्वाहा। ओम लक्ष्मी दिव्यरूपै मणिगणकटितै स्नाभितं हेन कुम्भै सानित्यं पदमहस्तां मम वसतिगृहे सर्वमङ्गल्ययुक्ता। ओम कपिगतमातृकेभ्यो स्वाहा। अब नवग्रह देवताओं की आहुति होगी। आपको बड़े प्रेम से आहुति छोड़नी है,
जो भी ग्रह आपके अगेंस्ट हैं वो आपसे प्रेम करने लग जाएंगे और बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, ठीक है। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेदयन्नाव तन्मतञ्च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः ओम भूर्वस्वः सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा अधसुद्रगं सुभुतं महते शत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय ऐन्द्रिसेन्द्रियाय ्राह्मण विश्रम्भया सोमं प्रजापतिरितेन सतमिन्द्रियं विपानाकुङ्ग शुक्रमन्दस ऐन्द्रियाय वितम्पयो मृतं मधुः ॐ स्वाहा। ॐ कयानचित्र आहुजोति सदा व्रताः सखाः कया सचिशतया व्रता ओम भूर्व स्वाह राहुवे स्वाह ओम केतवे स्वाह ओम अधिदेवताभ्यो स्वाह ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो स्वाह पंचका पंचोंकार देवताभ्यो स्वाह ओम दिग्पाल देवताभ्यो स्वाह ओम क्षेत्राधिपतये स्वाह ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी चतुरांतकारी पानोस देवो सुतोभदश्च गुरुश शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। गायत्री मंत्र सबको आता है। जो पीठों का आप डेली पूजन करते थे उन सब में एक एक देवता एक एक चावल के प्रकोष्ठ में विद्यमान है। सब परिवार सहित आपने उन्हें बुलाया है, उनका पूजन विधिवत किया है, अब उनको भोजन कराना अभी देना प्रेम से आपका कर्तव्य है और इसी कर्तव्य के बाद आपको सुंदर पुण्य की प्राप्ति होगी। ओम हरि ओम। ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा। ओम एकादश रुद्रभ्यो स्वाहा। ओम द्वादश आदित्यभ्यो स्वाहा। ओम अशुभ्यां स्वाहा। ओम विश्वे देवेभ्यो स्वाहा। ओम सप्तयक्षेभ्यो स्वाहा। ओम भूतनागेभ्यो स्वाहा। ओम गंधर्वाप्सरेभ्यो स्वाहा। ओम मृत्युरोगाभ्यो स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम मरुद्भ्यो स्वाहा। ओम पृथ्वीभ्ये स्वाहा। ओम गंगादीनदीभ्यो स्वाहा। ओम सप्तसागरेभ्यो स्वाहा। ओम मेरवे स्वाहा। ओम पर्वताय स्वाहा। ओम आय स्वाहा। ओम गौतमाय स्वाहा। ओम भारद्वाजाय स्वाहा। ओम विश्वामित्राय स्वाहा। ओम अत्रय स्वाहा। ओम अरुंधत्तय स्वाहा। ओम इंद्रये स्वाहा। ओम कौमारये स्वाहा।
ओम ब्रह्माई स्वाहा, ओम वाराहाई स्वाहा, ओम चामुंडाई स्वाहा, ओम वैष्णवे स्वाहा, पत्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा। संजय जी हाथ में जल ले लेंगे, लेकर के बोलिए हवन्यं प्रियंताम नमः। नीचे छोड़ दीजिए पृथ्वी। और अभी विधिवत स्वाहा बोल के हवन करेंगे। संजय जी हाथ में जल ले लीजिए। ओम अस्त्री ओम अस्त आदित्य हृदय स्त्रोत आगस्त ऋषि मनुष्य प्रचंद आदित्य हृदय वीतो भगवान ब्रह्मादेवत निरस्त शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च हवने विनियोग। छोड़ दीजिए पृथ्वी पर, ठीक है। सभी हाथ जोड़ करके बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। ओम ततो युद्ध परित्रांत समरे चिंते स्थितम रावणम जागृत दुष्ट युद्धाय समुपस्थितम ओम सूर्य राम राम महावाहोषण भयं सनातनम येन सर्वानरीन वत्सा समरे विजयसे। ओम सूर्याय स्वाहा, आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम्। ओम सूर्याय स्वाहा, सर्वमंगलमांगल्ये सर्वपापप्रणाशनं स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सर्वदेवाय विष्णुश्च शिवाय स्कन्धाः प्रजापति महेन्द्रो वधन्धः कालो यमः सोमो हिपाम्पति। ओम सूर्याय स्वाहा, पितरो वसभासात्या सुनिमर्तो मनोः वायुवह्निः प्रजापां प्रजाः प्राणं ऋतुकर्ता प्रभाकरम्। ओम सूर्याय स्वाहा, आदित्याः सविता सूर्यः खगः भूखा गमिष्टवान् सुवर्णसत्रसो भारुं हिरण्यरेता दिवाकरम्। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम हरिदसवा सहस्रार्चि सप्त सप्तमरीर्चिमान् तिमिरो नमथन संभूतिष्ठ मार्तंडको शुभा। ओम सूर्याय स्वाहा, हिरणगर्भा हिरणगर्भादित्यः स्तपनो हस्वरोरभि नमो नमः सहस्राक्षो आदित्याय नमो नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्मकोदाय मार्तंडाय नमोस्ते। ओम सूर्याय स्वाहा, ब्रह्मेशा नाचुकेशाय सूर्यादिकवर्षसे वास्तेशनुभक्षाय रौद्राय मुक्ते नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, हम तमोगुणाय मग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, सप्तजामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तोऽभिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। ओम सूर्याय स्वाहाभि ओम सूर्याय स्वाहा, एवं सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितम् एषा चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ओम सूर्याय स्वाहा, देवा च कृतवश्चैव कृतोनां फलमेव च ज्ञानी कृतयानि लोकेषु सर्वेषु मत्प्रभो। ओम सूर्याय स्वाहा, येन मा पश्चु कृष्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तेन पुरुषा कश्चित् नवसीदति राघव। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम पूजयसैकमेकाग्रो देवदेव जगत्पते एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युतेषु विजयस्तसि। ओम सूर्याय स्वाहा, अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एव मुक्ता ततो गस्त्वजगाम सा यथा गतम्। ओम सूर्याय स्वाहा, एतच्छुत्वा महात्तेजा नष्टकोशो भवत्तन कार्यामास सुप्रीतो राघवा प्रीतात्मान्। ओम सूर्याय स्वाहा, आदित्यं प्रोक्षितवत्त्वेदं परमं हस्तमात्मनात् त्रिराचम्यासुरभूतानुराधाय वीर्यवान्। ओम सूर्याय स्वाहा, रावणं प्रोक्षहृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं शरवेतनेन महता भ्रतस्तस्य
वदे भवत ओम सूर्याय स्वाहा ओम अधिरवदवे विक्षम रामम दितमना परमं परिसमानम निश्चरपति संत्यं विदत्ता सुरुणमत्य गतो वजस्वरेति ओम सूर्याय स्वाहा ओम प्रभाकराय स्वाहा ओम दिवाकराय स्वाहा। अब भागवत की आहुति। वासुदेव जगतपते देह मे तने मे कृष्ण त्वामहं शरणं गता ओम बालगोपालाय स्वाहा। मन से सुंदर कामना हो कि जो हमारे इस आयोजन से भागवत का प्रसाद चाहा पुत्र के रूप में उसे मिला है प्रभु, और ऐसा ही आशीर्वाद आप उनको दे जो पुत्र सुख की इच्छा से हमारे यहाँ से प्रसाद लेकर के गए हैं और एक भी दिन कथा श्रवण करी है, उन सब की कामना यहाँ पूर्ण हो। दो व्यक्ति आए थे विवाह के लिए, उनकी कार्य सिद्धि के लिए, और तीन बार आप सब मिलकर के, तीन बार का मतलब गुणा कर लो सब मिला करके तीन, एक बार में इतनी आहुति होती है, तो तीन बार में कितनी होगी माला पूरी है। ठीक है, मन में कोई ऐसा विचार ना हो, क्यों? क्योंकि जो कर्ता होता है वो यज्ञ का कर्ता सबके लिए यज्ञ करता है, उसके पुण्य के भागी उनसे जुड़े हुए हर सदस्य को बराबर बराबर सुख की प्राप्ति होती है, और आयोजक के यहाँ से कोई याचक आ जाए तो वो आयोजक खड़े होकर के देता है, और आपके यहाँ आकर के इन चीज़ों की मांग हुई है तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि जो यहाँ आकर के मांगे हैं उनकी प्रार्थना पूरी हो। चलिए, ओम श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम कृष्णाय स्वाहा। कांति सीता मसतनिंदित सारदंदो यत्रैकतो विलसितां मसितां शोभां वृंदावने कृतया मणिगान संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि, ओम गोपालाय स्वाहा। यम प्रप्रजंत मनपेदमपेदकृतं द्वैपायनो वीरश्मि, ओम गोपालाय स्वाहा। वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलि गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रिय कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रसादसुतो सोम पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा। ओम कोप्याऊचु स्वाहा जयति तेधिकं जन्मनाद्रिच सुरत्रिनाथते शुल्करचिका वरदनेन तो नेकिं विश्वजलात्मयाक्षसा वर्ष मारुता वेदुतानला वृगमयात्मजा विशतो भया पुरुषोत्तमाय स्वाहा। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्र लिखन सार्थि तो बीस गुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा। विरचिता भयम प्रश्न दूर्यते चरण मीयुषा संसतेर्भय कर सरोरुहं कांत
कामदं सिरसिधेना श्रीकराग्रहं ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा व्रज जनार्तिहं वीरयोषितां निज जनस्मय ध्वंसनास्मित भज सखे भवत् किंकरिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा रणतदेहिनां पापकर्तनं त्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं प्रणपनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेतुनः क्रेन्द्रचयां ओं श्री बालगोपालाय स्वाहा मधुरिया गिरा वल्गोबकया बुध मनोगया पुष्क स्वाहा तव कथामृतं ताप्त जीवनं कवि विरीडतं कल्पशापं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते पूरिदाजन प्रेम वेक्षणी सरसतं प्रिया प्रेम वेक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहति संविदो याहि देवृता कुहक नो मना क्षोभयात हि ओं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा चलसि यद् व्रजान् चारयन् पशो नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं तिलतिणाङ्कुरै सीदितीतिना कलिलतामनारणं नृणां वितरवीरणा स्तेररागतम् ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय श्वः अटति यद् भवान् नयनकानं तुटिरुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडयुदीक्षतां आत्मगृहदिशाम् ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय श्वः पतिसुतान्वया प्रातबन्धवा नति विलङ्घये तेन तत्सुतागता कतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्तजेन जे ॐ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय स्वाहा रहसि संविदो रहसि संविदो सहचयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं प्रदुरात्रियो वीक्षणामुते मुह्यते स्पृह मुह्य सुजननादृजां यन्निशोदनं त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय स्वाहा यस्ते सुजातचरणां पूर्वस्तेन किञ्चित् कुरपादभीर्वमतिदीर्घ भवदायुषां नः ॐ त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय स्वाहा ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवलभाय 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 स्वाहा अंकलिम कृष्णा गोविंदा गोपीजन लवाय 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 स्वाहा
हाँ कल बच्चा है पूर्वोच्चारित संकल्प से आपका संकल्प क्या था भागवत यज्ञ कराना पितरों को मोक्ष है ना पूर्वोच्चारित संकल्प से ग्रह गुण गण विशेषण विष्टम्यायाम तिथो सभी अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे और नाम लेकर के बोलेंगे मम कृताय पितृ मोक्ष यज्ञ पूर्ण आहुति समयेन पूर्ण आहुति पूजनम संकल्पम महम करिष्यामहे एक थाली में छोड़वा दो इसके बाद वो पूर्ण आहुति को रख के सामने और जो पूजा कर रहे हैं बोलेंगे ओम पूर्ण आहुते नमः जल छीटा मारिए उसमें जल का प्रक्षेपण कीजिए जल का प्रक्षेपण कीजिए उसमें चंदन लगाइए फूल चढ़ाइए और नैवेद्य चंदन चंदन पहुंच गया है चंदन लगा दीजिए पुष्प चक्षत छोड़ दीजिए और आप भोग लगा दीजिए नैवेद्य इसको उठा के अपने माथे से स्पर्श कराइए ठीक है सभी लोग एक साथ एक दूसरे से टच हो जाओ ठीक है ना अब खड़े हो जाइए बाकी लोग हवन की सामग्री लेंगे पूर्ण आहुति मैं सबको पुनः विदित करा दूं कि केवल पहले गोला रखा जाएगा फिर इसके बाद आहुति छोड़ी जाएगी फिर सुष्टुकृत तब बसोर धारा ठीक है ना बढ़िया बीच में जगह बना लो जहाँ गोला को अच्छी तरह से रखना है ओम पूर्णादर्भी परापता सुपूर्णा पुनरापता बसने विक्रीण यमोर्जगुं सतक्रतो स्वाहा बोले यज्ञ नारायण भगवान की बोले यज्ञ नारायण भगवान जोर से बोलो स्वाहा सदधारेण स्वाहा काम दुःखाय नमः ओम सदधाराय नमः यहाँ का कार्य यही संपन्न करिए इसके बाद अंदर चलेंगे जिसका पर्स छूट गया हो तो मेरे पास आके ले लेना सभी हाथ में जल लेंगे और अपने पूजन का जो आपने यज्ञ किया है उस यज्ञ की दक्षिणा हाथ में लेंगे जो भी आपसे बन पड़े ओम विष्णु
ओम विष्णु ओम विष्णु हाँ जी प्रभु ये जो मेरे सामने है वो बैठ जाएंगे तो मैं आगे देख पाऊंगा। सभी बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ पितृ मोक्ष यज्ञ उपरांते हवनो प्रांते हवन संकल्पम महम करिष्ये अरोही छोड़ दीजिए। चाहे उठ के मेरे पास आ सकते हैं, यहीं रखते जाइए। श्री राधे जय श्री राधे। हमने बिना जल के कोई बात नहीं जी, आत्मा से बढ़िया। तुम गाय रे आवे कमीरे शरण गाऊ मैं किसकी, कमी शरण गाऊ मैं किस गरी से हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर आमी, कमी तुम अंतर यहाँ के साग तुम पालन करता, स्वामी तुम कल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी। सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति, ओम से जगदीश हरे दीन बंधु सुखे। परम भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भगवत निर्मल महापुराण भगवत निर्मल सुखमुख विकलित निगम कल्प फल सुखमुख विकलित निगम कल्प तरु परमानंद सुधा रसमय कल परमानंद सुधा रसमय कल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति कलिमल मत भगवत का रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान दासिनी रसिक हृदय रस राश विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के। सभी मन से खड़े हो, थोड़ा पीछे होके आपके हृदय के समान पवित्र कोई दूसरा दीपक नहीं है। अपने हृदय को दीपक के समान मान करके और भगवान की आरती उतारें, क्योंकि ये दोनों आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं। यही रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, आते जाएंगे लेते जाएंगे। और आप लोग उधर बैठ जाइए जो जोड़े में हैं,
एक तरफ परात ला करके रखिए। माता जी धीरे धीरे सनई सनई जितनी बड़ी हो छोटी हो या बड़ी हो है छोटी बड़ी जो भी है इससे बड़ी तो हमारी परात वो हक है वो पूजन वाली परात ये जो चंदन है हवन का ये सबके माथे में लगा दो पहले देवताओं में लगाओ पीठ में लगाओ भागवत जी में लगाओ हाथ से उंगली से यहाँ लगाई सब में लगाई इसके बाद सबकी लगाई किसी को दे दीजिए पहले तो पुरुष भाई हाँ एक को दे दो ऐसे आप लगाते जाना शुरुआत नहीं छुआना किसी के माथे में खाने का हाँ एक थाली निकालिए और एक यजमान जा करके वहाँ पे भोग लगा जाइए बाकी यहाँ तर्पण